सीता जी को कितना काम करते दिन भर में, केले की कड़ी लेके आ रहे हैं, बनाने वाला खाया ना बल पूरा कभी कब क्या खाया था बताओ। बबरी ये देख सकते हैं यहाँ पे कद्दू वद्दू भी इकट्ठा कर रखे हैं। तो सुंदर सुंदर वादियाँ जो हैं इस तरह से हैं उत्तराखंड में, ये देखिए इस तरह के मकान हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं लहसुन की खेती हो रखी है। मम्मी जो है इतने बड़े बड़े खेतों को ना खुद खोद देती थी, लगा लो अभी 3 महीने पहले मम्मी सारा काम करके गई हुई है। 1 महीने बीमार रही, दूसरे महीने मम्मी जो है दुनिया से चल बसी। तो अभी मम्मी को गए हुए यहाँ पे हो गए हैं 13 दिन। लग नहीं रहा है कि मम्मी चली गई है, ऐसा लग रहा है कि वो कहीं गई हुई है, तो कुछ ही देर में आएगी। तो दोस्तों ये है सुंदर सुंदर वादियाँ यहाँ की, हम लोग यहाँ पर रहते हैं पहले, अभी हम लोग रहते हैं नोएडा में। की बेल भी लगाई हुई थी यहाँ पे, बहुत सारी तोरी यहाँ से हमने तोड़ ली। पहले इस तरह के घर हुआ करते थे, ताऊ जी का घर है देख सकते हैं, अब सारे इस तरह के घर हो गए हैं यहाँ पे। ये देखिए फ्लावर्स भी बहुत अच्छे अच्छे खिले रहते हैं यहाँ पे, मैं दिखाती हूँ आपको इस तरह के देखो फूल हैं। ये मेरी ओल्ड फूल जो अपने आप ही उग जाते हैं यहाँ पे, एक पेड़ लगाओ इस तरह से। इस बार जैसे फूल आ गए हैं तो इन फूलों में क्या होगा कि अगली बार बीज गिर जाएगा तो अपने आप ही ये पेड़ जो है खुद से खुद उग जाते हैं। ये जो है नेचुरल खाद होती है गोबर की, इस तरह से रख देते हैं, फिर 1 साल बाद ये महीन हो जाती है तो खेतों में इस तरह से डाल देते हैं। यहाँ पर आलू लगे हुए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं राई के पेड़ भी लगे हुए हैं। लाई कुछ पुराने मिर्ची के पेड़ रखे हुए हैं तो उनमें मिर्ची भी लगे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नींबू भी लगे हुए हैं, कुछ 1-2 महीने में नींबू भी पक जाएंगे, खाने लायक हो जाएंगे। अभी कुछ दिनों में इनमें रस थोड़ा कम रहता है, अभी देख सकते हैं। दीदी जी को भी और हस्बैंड जी को भी लेके चल रहे हैं आज घास काटने के लिए। मम्मी होती तो बहुत खुश हो जाती कि मेरे सारे रिश्तेदार जो हैं घास काटने आ रहे हैं। आ रहा मशीन घास काटने वाली, देखते कितनी घास काट के लाता है। ये देखिए ये में हरे हरे वाली, ये देखिए इस तरह के पेड़ मकान हुए करते थे पहले। इधर 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 ऊपर को चलो, सीधे चलो, चलना। ये देखिए सभी लोग जो हैं यहाँ पे गाय भैंस इस तरह से पाले रखते हैं। ये देखिए करेले का पेड़, ये अरे तेरे जाने के बाद उसने मैसेज आया तो बोला साला भिजा। ये देखो इनको हम अठनी बोलते हैं, अठनी। लास्ट कोने में गांव से भी ऊपर तो यहाँ पे बाजरा बाजरा बोया हुआ है और गहत बोए हुए हैं। रास्ता देखो यहाँ पे इस तरह का होता है, ये देखिए पूरा पेड़ ही पेड़ रहते हैं। ये देखिए होता है घास, अब यही काटना है गोया। तो यहाँ पे इस तरह से ये नेचुरल पानी है जो हमेशा से ही रहता है। ये देखिए ये पानी कहाँ से आता है, कोई आता पता नहीं रहता इसका। ये देखिए अभी सभी लोग यहाँ पे घास काटने आए हैं। ये है पहाड़ी, ये है देखो मशीन लेके आए अभी घास काटने वाली, मैं लेके आई हूँ। ने इनको जो है हाथों से काटा इस घास को, आज ऐसा समय आ गया है तो देखो मशीन आ गई है। तो यहाँ पे देखो भाई जो है अभी मशीन से घास काट रहा है, अभी जो है ससुर जी बैठ गए हैं। मशीन को बड़े सेफ्टी से घास काटना होता है क्योंकि जल्दी तो करता है लेकिन ये पत्थरों से इसको बचाना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों बाप बेटे यहाँ खड़े हैं, एक तो वर्कआउट कर रहे हैं। नहीं यहाँ औरतों की ऐसी हालत ख़राब होती है, देखो सारे घास काटते हैं बेचारी, पर ये अब दस्ताने से काटने लगे हैं देख सकते हैं।
अब थोड़ा औरतों की हेल्प हो गई क्योंकि मशीन आ गई है, तो सारे मशीन से कट जा रहे, नहीं तो ये सारा घास जो है लेडीज को ही काटना होता है यहाँ पे। ये लोग जा रहे पहाड़ी की तरफ। लेडीजें सोचती हैं हम कितना काम करते हैं, जरा इन लेडीजों के बारे में सोचो जो पहाड़ की होती है, कितना कठिन और ये करती हैं, दिन भर घर का काम, उसके बाद बच्चों का काम, उसके बाद ये देख सकते हैं ये घास वास काटना, इस घास को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद जो है सर्दियों में भैंस को खिलाया जाता है, सुखा के इसको इकट्ठा कर दिया जाता है। तो देख सकते हैं इनको इतनी मेहनत करती हैं ये लेडीजें, हमने भी करा हुआ है जब तक हम पहाड़ में रहते थे। समय बदल गया है तो मशीनें आ गई हैं, नहीं तो इतना सारा जो भी घास होता था ना ये सब हम ही खुद काटते थे, जैसे अभी थोड़ा बहुत ज्योति काट रही है। अब मशीनों का युग आ गया है, पहले तो दो दो भैंस हुआ करते थे लेकिन अब एक ही भैंस होती है, अब मशीन अब आए हैं, तो अब मन नहीं लगा तो ये लोग जाने लगे घर की ओर। जैसे यहाँ रात होने लग गई है, देख सकते हैं हिमालय दिख रहा है, और सभी लोग जो हैं दिन भर घास वास काटते हैं, इस तरह से फिर शाम को घरों को चले जाते हैं। घर जाके ये लेडीजें अपना जो है गाय भैंस का काम करती हैं और उनका दूध निकालना ये सब, फिर साग सब्जी बना के फिर रात को सोती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल पहाड़ की लेडीजें करती हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप। जिलाई लेके आ गए अभी बेचने के लिए, मुठ्ठा है। पहाड़ों की खूबसूरती बहुत ही प्यारी होती है। अभी जो है सुबह सुबह का जो मौसम है, धूप खिली हुई है, प्यारा सा हिमालय भी सामने से दिख रहा है एकदम से, देख सकते हैं आप यहाँ पे प्यारा प्यारा एक छोटा सा गुलाब का फूल खिला हुआ है, और हरियाली देख सकते हैं आप कितनी प्यारी प्यारी हो रखी है। ये देखिए ये है कपकोट का गरीरा गांव, ये देखिए यहाँ पर देखिए फूल खिले हुए प्यारे प्यारे से। हाँ जे जाएगा नाश्ता पानी तमर, ये हमारा होम, तो मम्मी तो है नहीं अभी, मम्मी के बिना जो है बहुत अजीब लगता है दोस्तों, पर क्या करें, ये प्रकृति का नियम है, जो यहाँ आता है तो जाता ही है। ये भैंस है मम्मी की, ये बिना भैंस, इस भैंस को खाना खिलाए पानी पिलाए वो कभी रह नहीं पाती थी। ये भैंस जहाँ मम्मी जाती थी वहीं को मुंह करके आवाज़ करती थी, आज ये भैंस इतनी शांत हो गई है ना, ना आवाज़ करती है ना कुछ करती है, इसको खाना मिल जाए तो ये ठीक है, नहीं मिले तब भी ठीक है। तो यही सब रहता है, ये सब जो भी है घर गृहस्थी सब यही रह जाती है, जब जाने का टाइम आता है तो इंसान को जाना ही होता है, उसको कोई नहीं रोक पाता है। पता नहीं ये ममता माया फिर कहाँ जाती होगी, जो मम्मी भैंस के बिना हमारे बिना कभी रह ही नहीं पाती थी, तो आज मम्मी जो है पता नहीं कहाँ विलीन हो गई है। और यहाँ पर ताई जी रहती थी पहले, तो ताई जी का भी घर वीरान है, अब ये घर भी ऐसी मम्मी के बिना वीरान है, तो क्या कर सकते हैं, जीना पड़ेगा रहना पड़ेगा। प्यारे प्यारे से यहाँ पे फूल खिले हुए हैं एकदम से, इधर मम्मी की वह फोटो लगी हुई है, पूजा पाठ होती है यहाँ पे डेली, देख सकते हैं हंगामा हो गया, बंदरों ने आतंक मचा दिया है एकदम। ये है, ये केले वेले सब खा रहे हैं, नाना भी कर रही हूँ आया मैं।